वेलकम टू सक्षम न्यूज इंडिया और मैं हूँ राज कुंद्रा। इंसान की जिंदगी में जिंदगी का दूसरा नाम तकलीफ होता है। कभी वो हॉस्पिटल की चक्करों में परेशान रहते हैं तो कभी कोर्ट कचहरी के चक्कर में। लेकिन इन चीजों के समाधान ना कोई कर पाया है ना कोई पकड़ पाएगा। इसी दौरान जो है हमारी मुलाकात हो रही है गुरुजी लाल किताब वाले से। हमारे साथ जो है लाल किताब यानी गुरुजी लाल किताब वाले हैं। इनसे हम जानेंगे कि किस किस तरह से जो है लाल किताब इंसान की जिंदगी को कष्टों को दूर करता है। तो बातों का सवालों का सिलसिला जारी हो रहा है। आपका स्वागत है। पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि बहुत से लोग जो है अपने जेवरात गिरवी रख देते हैं लेकिन उसके बाद वो उसको छुड़ा नहीं पाते। उसका दिन ब दिन बढ़ते रहता है, ब्याज भी बढ़ते रहता है। तो क्या लाल किताब में ऐसा कोई प्रावधान है कि उन चीज़ों का समाधान हो पाए या फिर उसका जेवरात छूट जाए? लाल किताब में जो बृहस्पति सोने से संबंधित ग्रह माना जाता है, जब भी बृहस्पति खराब होता है तो उसको सोने से संबंधित नुकसान होते ही होता है। सोने का गुम हो जाना, गिरवी चले जाना, इस तरह के नुकसान उसको होते हैं। दूसरा, लाल किताब में जब भी मंगल दसवें घर में होता है तो हम लोग आने वाले जो भी हमारे को कुंडली दिखाते हैं उसको बोलते हैं कि सोना कभी भी गिरवी ना रखना, क्योंकि अगर वो किसी काम करने के लिए सोने को गिरवी रखेगा तो उसके बाद वो कभी भी सोना उसको वापस नहीं आ पाएगा, चाहे जितने भी जतन करेगा। इसलिए हम लोगों को लाल किताब में बहुत सारे परहेज भी बताने पड़ते हैं कि अगर वहाँ गिरवी चला गया तो फिर वो वापस नहीं आएगा। उसका यही है कि आप उसको गिरवी ना रखें और नहीं तो वो वापस नहीं आए। और बताना चाहूँगा कि हर माँ बाप को बच्चे की जन्मपत्री जरूर बनवानी चाहिए, जिससे कि आने वाली कोई भी उसके ऊपर कोई समस्या आने वाली तो उसका समाधान हम पहले कर लें। एक बार मैंने देखा है कि हमारी किस्मत में लाल किताब कहते हैं कि 48 वर्ष की आयु से पहले मकान नहीं बनाना, और 48 वर्ष की आयु से पहले हम मकान बना लेते हैं तो उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती है। जब बच्चे की मृत्यु हो जाती है फिर वो हमारे पास माँ बाप आते हैं तो हम उन लोग उनको बताते हैं कि आपने 48 साल की उम्र से पहले मकान बनाया था जिसकी वजह से आपके बच्चे की मृत्यु हुई। तो इस तरह और जैसे बच्चे ने क्या करना है, उसके जीवन में क्या बनेगा, वो सब चीज़ें ज्योतिष हमें पता चल जाती हैं। तो व्यर्थ में समय को ना गवा करके, व्यर्थ में पैसा ना बर्बाद करके हमें किसी अच्छे ज्योतिषी से इस बात की सलाह जरूर ले लेनी चाहिए कि बच्चे को क्या करवाना चाहिए क्या नहीं करवाना चाहिए। शनि राहु का कुंडली में टकराव होता है या शनि राहु का आपस में मेल होता है तो प्रॉपर्टी के जैसे ही हम लोग प्रॉपर्टी बनाना शुरू करेंगे तो बहुत बड़े बड़े बवंडर आ जाते हैं। घर में क्लेश हो जाएंगे, पैसे का नुकसान हो जाएगा, कोई एक्सीडेंट हो सकता है या पुलिस का कोई ना कोई चक्कर पड़ जाएगा, तो इस वजह से काम रुक जाते हैं। तो शनि राहु के टकराव को हटाना पड़ेगा, शनि राहु दोनों को ठीक करना पड़ेगा, तब जाके मकान में सुख मिलेगा। गुरु जी की धर्म पत्नी है, उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से जो है लोगों का जब गुरु जी समस्याओं का समाधान करते हैं तो उस समय इनको कैसा? मैं जब से इनके साथ हूँ मैंने बहुत सारे लोगों की समस्याओं का समाधान होते देखा है, और उसके बाद जो उनको खुशी मिलती है, उनके चेहरे पर जो खुशी मिलती है वही हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम होता है। और हमें लगता है कि इनके द्वारा किया गया जो भी काम है वो सफल हो रहा है, ये लोगों के जीवन को उनको सफल उनके जीवन को उनको आगे बढ़ने में मदद करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने में उनकी मदद करते हैं, और ये सब देखकर हम लोगों को बहुत खुशी होती है। लेकिन जब देखते थे कि इतनी मेहनत करते हैं और इस सब इनके द्वारा की गई मेहनत से लोगों को इतना कुछ मिल रहा है और इससे लगता है कि हमारा जीवन भी तो सफल हो रहा है, उन लोगों की दुआओं से हमारे तो अपने आप ही समस्याएं सारी दूर होती चली जाती हैं, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता, उनके द्वारा दी जाने वाली दुआएं ही हमारे लिए बहुत होती हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब ये करते हैं। कई बार बाहर से विदेश से कॉल आते हैं तो बहुत रात रात तक इनको उन कॉल्स को अटेंड करना पड़ता है, अपनी फैमिली को इग्नोर करना पड़ता है, काफ़ी लंबे समय तक इनको स्टडी करना पड़ता है उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए ये करते हैं, और हमारा पूरा परिवार इनका सहयोग देता है। हमें बहुत अच्छा लगता है जब ये लोगों की समस्याएँ सुनते हैं, उनको दूर करने के लिए इतनी